चलो भाई चलो पेंट लेने चलते हैं, कबूतर के लोट पे कलर करना है आज तो। फाइनली देखो मैं घर पहुंच गया हूँ, और देखो ये वाला पेंट लेकर आया हूँ, ये सफेद रंग का है, इसमें कलर मिला के येलो कलर बन जाएगा। आज के दिन की शुरुआत होती है कबूतर के घर पर कलर करने के साथ। तो दोस्तों हम अपना सामान ले आया है, ये देखो दोस्तों ये रखा रहा पानी वानी कलर वलर, जैसे कि आप भाई कह रहे थे कि येलो कलर करो येलो कलर करो, भाई येलो कलर करा क्योंकि भाई ये फोर बोट येलो कलर हो रहा था, तो भाई हमने येलो कलर करने की सोच लिया। इस पर फ्रंट इसका येलो कर देंगे और भाई देखते हैं कुछ डिजाइन वजाइन सा, ठीक है। और भाई सबसे पहले हम अपने कबूतरों को बाहर निकाल देते हैं और भाई इसके अंदर की सफाई कर देता है, क्योंकि भाई काफ़ी दिन है जब से बना है हमने इसकी सफाई भी नहीं करी, सफाई हो जाएगी और इतने हमारे कबूतर निकलेंगे। और कबूतरों को भाई बहुत दिन हो गए कबूतर नहाए भी नहीं है, कबूतर बाहर नहा भी लेंगे, ठीक है ना। वाइट पुट्टी जेके सीमेंट वालों की वाइट पुट्टी मैक्स वाइट बढ़िया एकदम। मैंने पूछा था कि जौन सी भाई बढ़िया है ये वाली दे दो, ये कह रहा है सबसे बेस्ट है ये। मैं कह रहा अच्छी है, जे के लिख रहा हुआ है, जे के वाइट सीमेंट बहुत बढ़िया वाला जे के वालों का। मैं चलो भाई ये दे दो, मैं जो बढ़िया होना चाहिए वो दे दो। और भाई ये दिए थे भाई कलर के डिब्बे भी, ठीक है ना, ये ले आए थे। और भाई अपना हथियार कहाँ जिससे हम करेंगे, ये रहा भाई ये पुराना रहा था हमारे पास, भाई इसे यूज कर लेंगे, पापा कह रहे इसे यूज कर लिए, इससे हो जाएगा वैसे मुझे लग रहा हो जाएगा, ठीक है ना, होएगा तो हम दूसरे ले आएंगे। और भाई पानी है इस वाली बाल्टी में घोल लेंगे, आपको सब चीज़ दिखाएगा कैसे करना। पहले सारे कबूतर को हम नहा देते हैं बाहर निकाल के, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम पेटी वाले कबूतर को बाहर निकाल देते हैं, पेटी वाले कबूतर बाहर निकल जाएंगे पहला, है नी। और दड़बे वाले भाई देखो कबूतर कुछ आ भी गए बाहर, ये तो मैंने दिखाई नहीं, कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं मिनी ब्लॉग में दिखा देता हूँ बाहर कैसे निकलते हैं हमारे कबूतर। वो भाई लखा वखा कबूतर भी है हमारे, ये देखो वाइट वाले और ब्लैक वाले, एक भाई मैंने ब्लैक वाला लखा बंद कर रखा है, बाहर निकाल दूँ अभी, ठीक है ना। और कुछ दो चार कबूतर हमारे उड़ भी गए, ये देखो कोई नहीं ये तो आ जाएगी पहले नहीं। अब पेटी वाले कबूतर को मैं ओपन कर देता हूँ क्योंकि भाई नहाना भी है सब कबूतर को, भाई एक कबूतरी ऐसी आई उड़ के वापसी नहीं आती, सब मैं थोड़ा पकड़ लूँगा। चलो कोई नहीं उड़ जाएगी तो, अब तो वैसे भी टाइम है, आ जाओ बेटा आ जाओ सारे कबूतर आ जाओ। तो ये भाई हमारे इसके कबूतर भी बाहर आ गए और भाई नीचे बैठे थे ना, बीट बीट सी कर दी, कोई नहीं पोटी कर दी, देखो एक हद्दा और चल दिया उड़ के, ये उड़ गए कोई बात नहीं, सब आ जाएगी वापसी नीचे। ओ भाई लगता है कबूतर वापसी आ गए, चिंटू मिंटू रह गया। ओ भाई देखते हैं, ओ भाई देखो अंडे भी फोड़ दिए हमारे गीता कबूतरी के बच्चे, फाइनली बच्चे भी निकल गए गीता कबूतरी के। ओ भाई ये मैंने कहा था ये खतरनाक कबूतर है, ये तो ऐसी मार रहा है, फाइनली एक बच्चा निकला है, अभी दूसरा बच्चा भी निकल जाएगा, पर कोई बात नहीं देखते हैं जैसे भी है, ठीक है। ओ भाई सुल्तान भाई का भी एक अंडा रखा, एक अंडा बेकार हो गया था, पिलपिल अंडा रखा था। तो अब भाई वाली पेट्टी के और बाहर निकाल देते हैं कबूतरों को, इस पेट्टी के भी निकाल दे, चिंटू मिंटू इसमें ही आ गया, चिंटू मिंटू का बेबी भी दिखा दूँगा आपको। और भाई मैं दड़बा अंदर से भी दिखाऊँगा आपको हमारा दड़बा कैसा हो रहा है कैसे नहीं, ठीक है अंदर से भी जरूर देखना। तो जेरी भाई पेट्टी भाई हमारे छत पर बिल्ली कट रहा है, वो भाई ये चिंटू मिंटू का बेबी है, तो गेट का गे बैठा है, देखो ये चिंटू मिंटू का बेबी है हमारा, ओ भाई चिंटू मिंटू ये रहे, ओ भाई नए वाले कबूतर ये रहे हमारे, अभी तक इन्होंने अंडे ही रखा, हम पता नहीं अंडे रखेगी या ना रखेगी, मैं तो भाई इसे सेल कर दूँगा जो अंडे ना रखे, फिर क्या कहूँगा इसका मैं, बच्चे नहीं निकले जोड़ा ही बेकार है, पता नहीं यार मैं इसमें तो भाई मैं ठग गया आगे मैम, किसी ने मैं ठग लिया, पर लेकिन कबूतर बहुत इसकी जो मादीन है ना बहुत अच्छी है एकदम वन क्वालिटी की, कबूतर भी अच्छा है पर लेकिन अंडे नहीं रख रहे, पता नहीं क्यों इतने दिन हो गए। वो भाई बच्चा ये रहा चिंटू मिंटू का, बेटा यहाँ आ जा चिंटू मिंटू ये रहे, सबको भाई नहा देता हूँ आज, बहुत गंदे हो रहे हैं, आ जाओ बेटा सब बाहर, ठीक है। लॉफ्ट है उसका भाई अंदर से दिखाता हूँ कैसा हो रहा। वो भाई मैंने भाई जेब पहन ली क्योंकि भाई धूप हो रही है बहुत गर्मी लगेगी, वो भाई मैंने जैकेट उतार दिया ग्रीन वाली जो पैर रखी है, कहिए कहो कि कुछ अब बना रखा कुछ बाद बना, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है बनाऊँगा एक साथ ही, नहीं ठीक है ना। अब भाई मैं दिखाता हूँ आपको कैसा कैसा है, ये देखो भाई यहाँ लॉफ्ट देखना दोस्तों हमारा, भाई अकेले वीडियो बनानी पड़ रही है कोई है नहीं मेरे साथ। और दो भाई देखो अंदर से दिखाता हूँ आपको, अंदर से देखो भाई यहाँ मैंने बल्ली लगाई थी, वो यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ कर रखा मैंने ठोक वोक के, ये बल्ली थोड़ी छोटी पड़ी गई थी इसलिए, अभी तक भाई किसी ने अंडे वंडे नहीं लगे इसके अंदर, किसी ने भी पेट्टी पेट्टी लगा रखी, भाई मैंने चार पेट्टी लगा के, एक पेट्टी इधर आ जाएगी, मैं सोच रहा जो सामने वाली पेट्टी है ना हमारी ये वाली जिसमें आई चिंटू मिंटू ये वाली पेट्टी, मैं ये वाली पेट्टी इसमें सेट कर दूँ, इसके पाव इस वाली पेट्टी है जो बाहर रही इसके पाए हटा के अंदर सेट कर दूँ अगर हो जाए तो। वो भाई गंदगी हो रही है, पहले हम भाई सफा करेंगे सारी चीज़ों को, फिर भाई
फिर इसके अंदर बाहर पेंट वेंट करेंगे, इतना हमारे कबूतर नहा लेंगे, ठीक है ना। और इधर से मैंने मट्टी छीनी थी भाई, मट्टी की भी मैंने दीवार छीन दी थी जान गई, क्योंकि भाई मट्टी अंदर खाते रहेगा कबूतर हमारे, और भाई थोड़ी ठंडक रहेगी, बच्चे बच्चों को नुकसान नहीं होगा मट्टी की वजह से। और भाई इस वाले कबूतर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, दूसरे वाले लखा को। चल बेटा आया तू, ये हमारा लखा, एक और देखो दोस्तों यार, इसे भी मैंने बाहर निकाल दिया। ये भाई मणिकांत वाले हैं, दूसरे के मतलब किसी और के, ये हमारे नहीं है ब्लैक वाले, हमारे तो वाइट वाले भाई, ठीक है ना। आ जा बेटा, इतने नहाए कि मैं अभी लॉफ्ट की सफाई कर दूंगा अंदर से। अब देखते हैं नहाते हैं नहाते नहा ले गया वैसे। और भाई ये टूट गई जिसमें मैं नहाता हूँ, मैंने इसमें थोड़ा सीमेंट लग रहा था, ये टूट ही गई। चलो मैं थोड़ा पास से दिखाऊंगा आपको। देखो दोस्तों पानी भर दिया मैंने ये रहा। ओ भाई नहाने के लिए हमारे सुल्तान भाई भी आ गए, ओ भाई सारे ही नहा लेंगे अब तो, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम से नहा ही नहीं है। और सब नहावा के दिखा दूँगा फिर मैं आपको, ठीक है ना। इतना हम भाई अपने लॉफ्ट की सफाई कर लेते हैं अंदर से। तो फाइनली दोस्तों हमने अपनी लॉफ्ट की सफाई तो कर दिया है, और भाई इसके अंदर ही मसा गली पड़ रही दोनों। और भाई देखो कितना सारा गंद निकला, वैसे ज़्यादा नहीं निकला पर लेकिन बहुत मीट निकली है। और भाई सफाई कर दी पूरी इसमें, पर खन्ने रहेगी, खन्ने तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी इतनी सफा करने की, ज़्यादा गंदे नहीं हो रहे। और भाई वैसे सफा कर दी बस, अब भाई पेंट रह गया बाहर, पेंट करते हैं अब भाई अपना, जो भाई जिसके ऊपर हमने ये टॉपिक उठाया है पेंट करने के ऊपर। और भाई अंदर से देख लो भाई, कमेंट कर रहे थे कि अंदर से नहीं दिखाया अभी भाई तुमने तड़वा, और भाई देख लो सारा ये ना, ठीक है ना। और भाई इसमें पेट्टी आ जाएगी, इधर ये फिर जगह पूरी हो जाएगी, इधर हमारी पेट्टी होगी, इधर ये जगह होगी, जैसे कि भाई कहीं आड़ी बीड़ी में चेंज जाना पड़ जाता है, अंदर ही दाना डाल दो, इतना ऐसा हो गया अभी, ठीक है ना दोस्तों। बस भाई पेंट करके दिखाते हैं हम आपको कैसे कैसे करना। और हमारे सारे कबूतर तो दोस्तों हमारे देखो कबूतर नहा लिया है सारे के सारे, अब ऐसा लगता है बस सूखने के लिए रेडी है, सारे नहा लिए भाई ए टू जेड। एक अद्धा बस एक कबूतर रहा है जो अंडे में बैठा था, ये अंदर बैठा, देखो देख लो पेटी में, वो सब बैठ के सब इसके सब नहा लिए, आज एकदम सफा हो गया भाई ये कबूतर हमारे। और देख लो भाई सब कैसे हो गए नहाने के बाद कैसे हो जाते हैं कबूतर। तो दोस्तों हमने भाई वाई पट्टी का सीमेंट का कट्टा खोल लिया, जो भाई 5 किलो का था ये खोल लिया, और भाई इसमें डाल लिया कुछ, इसे पहले वाइट करेंगे भाई दड़बे को, मतलब कि जो लॉफ्ट है हमारा उसे पहले हम वाइट करेंगे, ठीक है। वाइट करने के बाद और भाई फ्रंट करेंगे हम येलो, इधर का देखते हैं कैसा करना है, इधर का या तो ब्लू करेंगे क्योंकि ब्लू कलर की भी डिब्बी है मेरे पास कलर की, इसे येलो कर देंगे, इधर से ब्लू कर देंगे, और देखते हैं कैसा कैसा रंग अच्छा लगता है। पहले जैसे तो हम येलो ही करेंगे फ्रंट तो, ठीक है ना, येलो करेंगे। और भाई हमने इसे घोल ली, मैं घोल लेता हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि भाई मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, वीडियो कोई नहीं बना रहा, मतलब मैं अकेले ही बना रहा हूँ वीडियो, तो क्योंकि आज भाई भैया है नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। तो भाई बस तैयारी करते हैं घोल वोल का, फिर सब भाई पोतना शुरू करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दोस्तों हमारा बन के तैयार हो गया, जो हमारा पेस्ट बनाना था, जो मतलब पेंट था हमारा वाइट सीमेंट, बन के तैयार होगा, रेडी होगा, बस इस पर लगाना है। देखो दोस्तों मैंने उंगली भी छाप दी थी अपनी, ऐसा हो जाएगा फिर, है नहीं, पहले से सारे बस वाइट कर देते हैं। तो दोस्तों मैं रेडी हूँ पेंट करने के लिए, भाई अपना हथियार भी ले लिया जिससे भाई हम कलर करेंगे। तो भाई देखो ये कलर, और भाई पहले
दोस्तों इतना कलर हो गया है और भाई हम जल्दी दिखाएगा आपको, इतना हम जल्दी कर लेते हैं कलर, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमने इधर तो कर दिया है, इधर की माई कर दिया और इधर की माई भाई, अब येलो कलर बनाना है हमें और येलो कलर करना है हमें फ्रंट पे, ठीक है ना, फ्रंट और करना, बस कुछ देर का काम हो रहा है भाई, पूरा प्रॉपर हो जाएगा जब दिखा दूँगा। और भाई यहाँ पर हमें एक लाइट रोल लगाएगी, जैसे कि कभी ऐसा होता है कि रात वात में कहीं हम चले गए और रात को आए तो रात को दाना वाना डाल के चले, दाना तो डाल देंगे रात लाइट जला के, इसलिए हम लाइट लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना, गेट खोला और लाइट वाइट जला देंगे रहेगा और फिर आराम से दाना वाना खा ले रहेगा कबूतर हमारे। और भाई येल्लो कलर और करता है, येल्लो कलर तो भाई बहुत अमेजिंग लगेगा, इसलिए भाई लाइक कर देना कलर हो तो साथ, और मैं फाइनल दिखा दूँगा भाई आपको कैसा बनेगा, ठीक है ना, ठीक है। तो भाई बने रहो, और मैंने सारे कबूतर बंद कर दिए थे इसलिए, और भाई इन गया हमारा कलर हो गया, हाथ वाथ देना मेरे कैसे हो गए पर, लेकिन भाई कोई दिक्कत नहीं, पर हो जाएगा हमारा कलर और भाई फिर मजबूत हो जाएगा और ज़्यादा हमारा कबूतर का घर, ठीक है। बस कुछ कुछ और रहेगा काम, फिर फाइनली दिखा देगा मैं आपको। तो फाइनली दोस्तों हमारा कलर हो गया है, देखो हमने वाइट दीवार पे भी कर दिया, वाली देखो इधर हमने ब्लू कलर कराया और देखो यहाँ येलो कलर कराया, जो आप कमेंट करके बता रहे थे मुझे कि येलो कलर फोर बोट येलो कलर, और भाई येलो कलर बताओ कैसा लग रहा है। अभी भाई ये वाली छत ना व्हाइट कर देगा इसकी, ठीक है ना, ये भी क्योंकि अधूरी अधूरी सी लग रही है देखने में, अच्छी लग रही है। भाई मैं पीछे दिखाता हूँ आपको कितना प्यारा लग रहा है, देखना की लग रहा है यूनिक सा, ठीक है। और भाई कमेंट करके बताओ कैसा लगा आप सभी भाइयों को, कैसे नहीं। और भाई कल हमने कल इतना बना दिया था कि इधर की हमने दीवार वाइट कर दी थी इधर की साइड की, पर अब ये भी हमें भाई येल्लो करनी पड़ेगी, इधर वाली ये भी येल्लो करनी पड़ेगी क्योंकि भाई अच्छा नहीं लग रहा था वाइट वाइट, ये पूरा येल्लो हो गया। ऊपर की हम कर देंगे इसकी, ऊपर से कर देंगे हम इसे वाइट, ये भी हो गया अच्छी। और भाई मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर जैक लिखवा दूँ और इधर भाई अपना यूट्यूब का लोगो बनवा दूँ, अपना लोगो बनवा के और भाई यूट्यूब का चैनल का नाम लिखवा दूँ, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा कमेंट करके बताना, वैसा मैं सोच रहा हूँ। और भाई ये वाली वीडियो डाल दूँगा पहले, फिर मैं शॉर्ट में बता दूँगा आपको, दिखा दूँगा सब चीज़ शॉर्ट वीडियो में, शॉर्ट व्लॉग में आ जाएगी जैसे भी है, ठीक है, लॉन्ग व्लॉग भाई और कमेंट करके बताना, लॉन्ग व्लॉग हर संडे आया करेगा अब, ठीक है ना, रेडी रह करो हर संडे लॉन्ग व्लॉग के लिए, और भाई अच्छे अच्छे व्लॉग आ करेंगे बहुत, रेडी रह करो बढ़िया बढ़िया, टेंशन मत लो। और भाई ऐसे ही प्यार बनाए रखो अपने भाई पे, खतरनाक खतरनाक, पर यार तुम लॉन्ग व्लॉग पर यार अच्छे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आता आपका। तो फाइनली दोस्तों देख ले कैसा लग रहा है हमारे कबूतर का लॉफ्ट, और भाई अब रह गया गेट, भाई गेट पर कलर की डिब्बी लेकर आ गया हूँ मैं, वो भाई रेड कलर है ये रहा, मैंने ओपन भी कर ली आप देख सकते हैं, वो भाई गेट पर करूँगा ये वाला कलर, ठीक है ना। और भाई बने रहना व्लॉग में, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा करना है गेट पर, और भाई ये गेट बहुत पुराना हो रहा है, देखो अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा, इसलिए भाई कलर्स हो जाएगा यूनिक सा लगेगा एकदम अजब अमेजिंग सा। और भाई कलर गेट पकड़ कर फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा, फिर इसका भी कलर कर दूंगा, फिर फाइनली सारा दिखाऊंगा। और भाई खाना भी आ गया, आ जाओ सही भाई, चावल वावल खा लो चावल खा रहा हूँ भाई, मटर डाल रखी मैंने बहुत टेस्टी बना रखे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलते हैं और फिर करते हैं इस पर जल्दी जल्दी। तो फाइनली दोस्तों हमारे कबूतर के लॉफ्ट के गेट पे भी भाई कलर कर दिया है रेड कलर का, और भाई बिल्कुल अमेजिंग लग रहा है, लुक एकदम खतरनाक है, ठीक है दोस्तों। और भाई आप देख सकते हैं हमने भाई इधर भी पीला कलर कर दिया था चारों तरफ से, देखो भाई इधर भी, और भाई ये नीली दीवार कर दी, बिल्कुल मस्त हो गया बिल्कुल। और आप कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, आपने कमेंट करा था इसलिए हमने भाई ये येलो कलर कर दिया था, ठीक है ना, आप कमेंट कर रहे थे, और भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, सभी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बना दिया आप घर, जो भाई अपना एक और व्लॉग के लिए तैयार रहना, हर संडे अब व्लॉग आया करेगा लॉन्ग, ठीक है ना दोस्तों।